Let's put the mail through. अब यहाँ 50 किलो की मच्छी मिलती है, आधे घंटे में मिल गई हो अभी। ये नदी साहब हिंद महासागर से मिलती है। और अभी हाँ हिंद महासागर देखो ना, उसके बाद ये कोरोना के लिए बहुत बढ़िया थी। ये कोरोना के लिए भी काफी फायदेमंद है। बस थोड़ा सा समय आटा तैयार होने के लिए, और कुछ व्यवस्था यहाँ लकड़ियों की, और जो मालू के पत्ते हैं वहाँ पे जो ये दिख रहे हैं, ये मालू के पत्ते, और यहाँ पे ये मालू के पत्ते हैं, ये लकड़ियाँ यहाँ पे तैयार की जा रही है आग जलाने के लिए, और यहाँ पे मच्छियाँ साफ हो रही है थोड़ा, और हमारा ये आटा भी तैयार होता हुआ। ये हमारे पहाड़ में इनको मालू के पत्ते कहा जाता है इनको। इसमें तैयारियां शुरू, आटा हमारा तैयार। और यहाँ पे आग जलाने की तैयारी, मच्छी हम अभी और यहाँ पे हमारी ये तैयार हो रही है, वहाँ पर हमारी मच्छियाँ ये साफ हो रही है। नाव के पत्ते थोड़े छोटे पड़ गए, और फिलहाल हमारी आग नहीं जल रही है। अभी सभी चीज़ें व्यवस्थित, सभी चीज़ें हमने व्यवस्थित रूप से की है, लेकिन लास्ट में अभी फिलहाल आग ने थोड़ा धोखा दे दिया, आग फिलहाल जल नहीं रही है। तो थोड़ा और कुछ मशक्क़त आग जलाने के लिए, और अरे यार फेसबुक पर लाइव चलो ना शायर है ना। हम तो बोल रहे साहब हमारा तो धंधा पानी क्या करना। और आग मुश्किल हो रखी है, आग जलानी थोड़ी मुश्किल हो रखी है, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है और बारिश का मौसम है। आज सुबह से ही थोड़ा ठंड है, थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आग जलाने में। एक आग में जगह से बताओ। और फाइनली हमारी ये आग तैयार यहाँ पे हो गई है, और मच्छियाँ भी हमारी उधर हल्की हल्की साफ हो रही है, और बड़ी खुशी की बात है कि आग जल गई। ये आग हमारी बुझ गई। फाइनली हमारी यहाँ पे आग जलती हुई। पुरातन लोग और थोड़ी सी मुस्कुराहट यहाँ पे चेहरे। बहुत जलन जा हुआ लपना अब्दुल नाम। इसके अंदर ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी रोटियां तैयार हो रही है, जिसको हम पहाड़ में रोटरे कहते हैं। और नदी में हमारा जो पिकनिक होता है, इसी तरीके से हम लोग पिकनिक का एंजॉय करते हैं। अभी एक सेट हमारा ये तैयार होता हुआ, और ये आग के ऊपर जो पत्ते रखे जा रहे हैं, ये रोटियां हमारी तैयार हो रही है।
पत्ते के अंदर आटा तैयार करके रखा है, जिसको हमारे पहाड़ में रोटले कहा जाता है। इसी तरीके से हम पिकनिक का एंजॉय करते हैं। थोड़ी बहुत तकरीबन 2 किलो के आसपास हमने मच्छियाँ तैयार करी है, उसके बाद हमारी रोटियाँ तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल सफाई से यहाँ पे तैयार होती हुई। इतना रहती पर नौटे पकड़ रही जाओ में छोड़ रही हूँ। इतने अच्छी वो इतने ले हम पर्ची, लेकिन वो सफेद नहीं चाहते अंदर बड़े। अच्छा। जाने मत किसी मत मत क्या आज बुरू। हाँ। यू आई यू वो अच्छा ये नहीं चाहते अंदर बड़े। अगर खाना मजे भी चले बना सकते। अरे तो गड़ाओ नहीं ना। हाँ सोचल गया खाता था बड़ा। अच्छा डोंगू तो लखो खाना मास भी दिखे। आखिरी में हमारी ये रोटियां तैयार होती हुई पूरी तरीके से रोटियां हमारी तैयार, जिसको ये मालू के पत्ते के अंदर ये रोटले तैयार। थोड़ा इसको आँच में हम पकने देंगे कुछ समय के लिए। और यहाँ पे पत्तल तैयार होते हुए घर वाले जा रहे हैं। और इस तरीके से थोड़ा हम मच्छियों को थोड़ा फैलाएंगे पत्तल में। इसको थोड़ा साइड से पैक कर देंगे, थोड़ा पतली पतली डंडियों से इसको साइड साइड से इस तरीके से हम। और के बाद इसको निकाल इसमें आग में पकाया जाएगा। इसको एक ही बना वापस इसके बाद इसको हम आग में इस तरीके से रखेंगे, और जब तक ये पत्तल पूरी तरीके से जल ना जाए। इस तरीके से हमारी ये मछली अब तैयार हो रही है।